तो ये देखिए भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल मेकिंग स्टार्ट हो गई अपने घेवर की। तो ये भाई कितना यम लग रहा है, चाशनी में डूबा ऐसे घेवर की मेकिंग आपको कहीं मिल जाए ना। वेलकम टू एमएम इंडिया गाइस। तो गाइस आज हम आ गए शगुन स्वीट्स पर। चल रहा है सर, कौन सा घी है ये? पारस घी। अच्छा पारस का घी है। ये जो मल्ली होती है ये किस चीज की बनती है? मैदा है, पानी है, दूध है। अच्छा नींबू है। मैं यहाँ से बॉटल में जाती है और फिर दूसरी साइड घेवर के लिए जाती है। बिल्कुल। तो ये देखिए भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल मेकिंग स्टार्ट हो गई अपने घेवर की। तो ये जो सर बॉटल में है ये इसे क्या कहते हैं? ये बन रही है, क्या ही शानदार मेकिंग हो रही है हमारे तहल का घेवर की। इसको तहल का घेवर कहा जाता है क्योंकि इस पे जो है ड्राई फ्रूट वगैरह काफी लोडेड होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही शानदार लग रहा है ये। जो हम ऐसे इसको प्रेशर क्यों मारा जाता है इसको वैसे? अच्छा तो सर ये आप इसमें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? ये आप इसका चक्री मतलब जो भी है ये गोल गोल क्यों घुमाया जाता है? ये गोल गोल घुमाया जाता है इसमें, जैसे जाल बंद हो जाएगा फिर बोतल से डालने में दिक्कत होगी। अच्छा बोतल से डालने में दिक्कत होगी क्योंकि जाल बंद हो जाता है, तो इसलिए इसको गोल गोल घुमाया जाता है। मतलब देसी घी से फिल करा जाता है ऊपर तक। अरे वाह, मतलब देसी घी में हमारा घेवर डूब जाए बिल्कुल। गाइज आप लोग देख सकते हो कितना ही शानदार लग रही है मेकिंग। घेवर जो है अच्छे तरीके से, मतलब ये एक पीस जो है आधे किलो का हो जाता होगा बड़े प्यार से, है ना? तो ये देखिए भाई काजू बादाम भर के डाल रहे हैं बिल्कुल। आप एक बार क्वांटिटी देखिए काजू के डालने की। ओए होए, और साइड से जो है दूसरी साइड से जो है बादाम डाल रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है गाइज तहल का घेवर। ये देखिए भाई, तो अभी इसमें मलाई भी चढ़ेगी सर? रबड़ी चढ़ेगी। अरे वाह, और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। तो मतलब भाई कितना ही लोडेड है ड्राई फ्रूट से। आप देख सकते हैं घेवर हमारा कितना ही शानदार लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक बार ये देखिए बादाम डाले जा रहे हैं, काजू डाला जा रहा है दोस्तों, ये ऊपर से जो है पिस्ता जा रहा है, पिस्ता भी जाता है इसके ऊपर। और उसके बाद जो है फिर अपनी फिर से मल्ली गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए दूसरी साइड से मल्ली गिरनी स्टार्ट हो गई है भाई, और साथ में पिस्ता काजू बादाम। ओए होए, क्या ही मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार घेवर लग रहा है गाइस देखने में भी। मतलब आप एक बार लुक देखिए घेवर की, क्या ही सुंदर घेवर लग रहा है। ये देखिए ऊपर से फिर से देसी घी जाएगा। अरे वाह, मतलब यार मतलब इतनी जो है भाई बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। हमारा घेवर तैयार हो चुका है, ये देखिए भाई साहब ये आ गया है घेवर, क्या ही बढ़िया लग रहा है। एक बार आप ये देख सकते हो कितना ही सुंदर, कितना ही शानदार। अब जो है इसमें से थोड़ा सा इसको जो है सुखाते भी है सर थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए सुखाना पड़ता है इनको? 15 से 20 मिनट सुखाना पड़ता है। तो भाई कितना यम लग रहा है, चाशनी में डूबा ऐसे घेवर की मेकिंग आपको कहीं मिल जाए ना। ये देखिए भाई ऊपर से जो है मलाई लग रही है अच्छी तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसी में ही आपने चाशनी मिला दी है। अच्छा, और फिर उसके मिलाने के बाद जो है ठंडा करा जाता है इसको 10 से 15 मिनट अपनी चाशनी। और ये जो मावा मलाई कहते हैं ना इसे? अच्छा, तो ये देखिए भाई मलाई में पूरा घेवर का पीस डूब चुका है, आप देख सकते हो। ये अपना भाई तहल का घेवर है जो तहल का मचा देगा अगर आप लोगे भाई। बहुत ही अमेजिंग घेवर है, काफी देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये सिर्फ आप एंजॉय कर सकते हैं। शगुन स्वीट्स मौजपुर पर इनकी शॉप है, गूगल मैप पर इनकी लोकेशन डली हुई है। ऊपर चांदी के वर्क लगने स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए तहल का घेवर नाम है इसका। तो अगर आपको ये घेवर जो है खाना है और एंजॉय करना है, लोकेशन आपको बताई दी है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ये ऊपर से जो है बादाम अपने गिरने चालू हो गए हैं, बादाम के हमने अच्छी तरीके से अच्छा डल रहा है ये। और अब ये आ गया है अपना गाइस पिस्ते का लच्छा, ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सर हमारा घेवर तैयार हो चुका है बिल्कुल? हाँ जी तैयार हो चुका है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है घेवर। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को फॉलो करें @TMMIndia। जरूर ट्राई करें शगुन स्वीट्स मौजपुर पर आकर इनका तहल का घेवर, भाई काफी अमेजिंग लग रहा है। ये हमारा घेवर तैयार हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो है ऊपर से केसर के छींटे भी जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब खुशबू आ जाती है और बहुत ही बढ़िया खाने में भी मजा आता है। ये हो गए गाइस हमारे घेवर तैयार। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें @TMMIndia। और गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल घेवर की मेकिंग और घेवर मिलते हैं यहाँ पर शगुन स्वीट्स मौजपुर पर, तो जरूर ट्राई करें इनके घेवर।